सो हेलो गाइस, मैं हूँ सरफराज अंसारी और मैं हूँ हिना खान। तो आज का वीडियो होने वाला है, जैसे कि आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि आप लोग बताओ कि आप लोग किस तरह मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले, क्या मिले। 500 लोगों को फॉलो कर लिया, एक अच्छी लड़की भी देख रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया था कि आखिर दिखती कैसी है। सरफराज अंसारी ने सामने से मुझे मैसेज, आज तक इसने मुझे थैंक्स नहीं बोला। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है, तो ये वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि हमारी जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई थी, हम कैसे मिले और यहाँ तक का सफर किस तरह का रहा, आपको सब देखने मिलेगा। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। Round 2. अरे यार, इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। Round 3. जैसा कि आप लोगों को जानना था कि मैं और सरफराज कैसे मिले, तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैंने इनकी एक वो नकाब वाली वीडियोस पहले शायद बनाते थे ये, तो वो वीडियो देखी। सच में बनाता था? हाँ, चलो ठीक है, बनाते थे। बस होने के बाद भूल जाता। अल्लाह, मैं बोलूं? यस। तो ये पहले नकाब वाली जो वीडियोस बनाते थे, तो मैंने देखी वो वीडियो, तो मुझे अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने लाइक किया और फॉलो भी किया था। हाँ, शायद नहीं, ये फंस गया सी है। अच्छा, इंसान फेमस होने के बाद हर एक चीज़ भूल गया। कुछ नहीं, फॉलो भी किया था। फॉलो करती थी, वो भी भूल गई। नहीं, याद नहीं कि मैंने फॉलो किया था या फिर लाइक की थी वीडियो। कितना वीडियो लाइक की थी मैंने? शायद एक दो। एक दो? हाँ, फिर एक दो। नहीं नहीं, तो जितनी बनाई होगी नकाब वाली, वो सब मैंने लाइक की थी। अब कितनी बनाई थी? नकाब नहीं, और भी वीडियो लाइक की थी उसने। और ये क्या बोलते हैं, मिलने से पहले जब तक हम लोग मिले नहीं थे फर्स्ट टाइम, और उसके एक दो साल पहले से फॉलो करके रखी थी मुझे। हाँ, है क्या है? और ये एक और चीज़ बता दो, ये सिर्फ मुझे ही नहीं, ये 500 लोगों को फॉलो करती थी। कितना झूठ बोलती है रे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। जिस दिन से मिली है उस दिन से झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। क्या था जो है, सच हमारे बारे में बताना ना, ये कितने क्या करती थी ये नहीं बताना। हां, तो बताना पड़ेगा ना। इसके मैं बता दूं, इसके 500 पोस्ट थे, 500 फॉलोअर थे और 500 फॉलोइंग। अरे देवा। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं थे? हां, हो सकता है। हो सकता नहीं, थे या नहीं? हां, थे। झूठ क्यों बोलने का इसमें? मैं जो चीज़ें मैं बनाता था, वो बना बना के मैं बोर हो गया था, तो मुझे कुछ अलग ट्राई करना था। वो चीज़ के से मैं एक अच्छी लड़की भी देख रहा था, जो मतलब जिसके फॉलोअर रहे ना रहे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो अच्छी रहनी चाहिए थी, जो मतलब मेरे साथ अच्छी दिखे वीडियो में। अचानक से मुझे क्या हुआ, नोटिफिकेशन आया, जैसे कि लाइक्स वगैरह करते तो आता है ना, तो इसका एक साथ 4-5 ऐसा लाइक करके आया मुझे। तो मैंने पहले इसका प्रोफाइल खोला, तो ये हर फोटो वीडियो में एकदम अलग ही दिख रही थी। मैं कंफ्यूज हो गया था कि आखिर दिखती कैसी है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे देखना था कि ये मुंबई से है या नहीं। फिर मैंने इसको खुद सामने से मैसेज किया। सरफराज अंसारी ने सामने से मुझे मैसेज किया, जलवा है हमारा। फिर मैंने इसको हाय हेलो किया, फिर इसने भी हाय एंड ऑल की, फिर हमारी बात हुई। फिर मैंने इससे पूछा कि ये कहाँ रहती है, तो पहले तो उसने मुझे बताया मैं अंधेरी में रहती हूँ, जो कि इसने मुझे झूठ बोली। अल्लाह, कोई झूठ बोला था? एक मिनट, मैं बता दूँ ना। हाँ बताओ। ठीक है, इसने मुझे पहले बोली थी कि अंधेरी में रहती है, और मैंने जो है मैंने मेरा बताया कि मैं कुर्ला में रहता हूँ। फिर उसके बाद हमारी पहले बात हुई, फिर मैंने अपनी वाइफ को दिखाया था कि ये ऐसी ऐसी लड़की है, वीडियो के लिए शायद सूट हो जाएगी। तो वो भी कंफ्यूज हो गए इसका प्रोफाइल देख के, कि हर फोटो वीडियो में अलग ही दिख रही है, किसी में मतलब मालूम है ना आपको, फिल्टर वगैरह से इंसान कितना चेंज हो जाता है, कैसा हो जाता है। तो वो चीज़ की वजह से मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था, ये मतलब कैसे दिखती होगी, किसी में अच्छी दिख रही है, किसी में अलग दिख रही है, किसी में बड़ी दिख रही है, किसी में छोटी दिख रही है। तो कंफ्यूज हो गया था मैं। तो मैंने इसको बोला कि ऐसे ऐसे वीडियोज़ रहेंगे कपल टाइप,
तो फिर ये बोले कि मैं अपने पापा से पूछ के बताती हूँ। बात तो सही है। बोला ठीक है चलेगा मुझे। फिर इसने मुझे 1 वीक के बाद कंफर्मेशन दी कि हाँ हम बना सकते हैं। तो मैं मिली नहीं थी तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि फेक आईडी है, फेक इंसान है। लेकिन मिलने के बाद फिर जब मैंने देखा कि हाँ ये वही बंदा है जो मुझसे इंस्टा पे बात की थी, मिलने के बाद मुझे यकीन हुआ। पहले तो यकीन नहीं हो रहा था। फिर वही, फिर मैं मिला इनके डैडी से, मिला इससे, मिला ये तो मुंडी नीचे करके बैठी थी। बोला अरे बिचारी बहुत सीधी सादी है, इसके डैडी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। मैंने उनको पहले बोल दिया था कि मैं कोई टाइम पास करने के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ, मुझे खुद को ग्रो करना है और साथ साथ मैं इसको भी ग्रो करूँगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो बोला और मैंने ये भी बोल दिया था कि पहले मैं फर्स्ट ट्राई करके देखूंगा, अगर रिजल्ट वगैरह अच्छा आया तो हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फिर मतलब नहीं है ना मैं क्यों किसी का टाइम वेस्ट करूं। बात तो सही है। सही है, है ना। फिर वो फेक होप्स हो जाएगा। तो मैंने वो चीज़ पहले बोल दिया, पहले हम करके देखेंगे, अगर वो रिस्पॉन्स अच्छा आया तो उसको कंटिन्यू रखेंगे। रिजल्ट तो आपके सामने है कि वीडियो अच्छी बनी या नहीं और आपको कितनी पसंद आई। हाँ फिर वीडियो बना, फिर पहला वीडियो बना, वो तो आपको पता ही होगा पहला वीडियो, अगर नहीं पता है तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। ये था हमारा पहला वीडियो और ये पहले वीडियो में मैंने साफ साफ, अगर कमेंट खोल के देखोगे तो मैंने साफ साफ मेंशन भी किया था, क्योंकि मैंने जब पोस्ट किया था तो हर किसी को लग रहा था कि ये मेरी वाइफ है, हर किसी को। तो मैंने उसी टाइम क्लियर कर दिया था कमेंट में कि ये मेरी वाइफ नहीं है, ये सिर्फ मेरी दोस्त है। वो कमेंट को किसी ने इतना ध्यान दिया नहीं। मैंने भी नहीं देखा वो तो आज तक। ठीक है देख लेना। सच में नहीं देखा। देख जाएगा। इसके कितना 500 फॉलोअर्स थे और एक ही दिन में कुछ 10,000 फॉलोअर हो गए थे। 10,000 नहीं होता ना, 10,000 उसके फॉलोअर्स हो गए थे। 1 मंथ में 1 लाख फॉलोअर्स भी हो गए थे इसके। कि इसका अच्छा खासा ग्रोथ एंड ऑल हो गया, तो उससे ज़्यादा मैं खुश होने लगा कि हाँ अच्छा है। फिर उसके बाद मैंने इसका यूट्यूब चैनल बनाया कि क्योंकि मैं तो पहले से यूट्यूब पर था, तो मैंने बोला इसका भी मैं बना देता हूँ यूट्यूब चैनल। फिर मैं इसके वीडियोज़ एंड ऑल डालते रहता था, मैं इसका हैंडल करता था पूरा अच्छे से। फिर आज देख लो, आज इसके 1.4 मिलियन है। अच्छा कॉन्सेप्ट में आधे से ज़्यादा इसमें हाथ मेरी वाइफ का है, क्योंकि वो मुझे आइडियाज़ देते रहती थी। इसका तो कुछ नहीं है, ये कभी नहीं आई ना बात जुबान पे। शिट, खुद का भी कुछ नहीं है क्या? कॉन्सेप्ट कैसा होता था? कॉन्सेप्ट मेरा ही रहता था, ठीक है, लेकिन उसमें एड ऑन जो करना है एक्स्ट्रा है, वो मेरी वाइफ तो क्रेडिट किसको जाता है फिर? तो मैंने क्रेडिट दे रहा हूँ ना, खुद की तरह थोड़ी तो क्रेडिट देता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू। अबे जल्दी बोल। तो फिर ये सब इस तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, हम करते गए करते गए, और विद इन 6 मंथ इसके कुछ 400K इंस्टा पे फॉलोअर हो गए और YouTube पे शायद सिल्वर प्ले बटन भी 6 महीने में ही आ गया था, 6-7 महीने बाद। हाँ YouTube पे भी अच्छा खासा ग्रोथ हो गया, सिल्वर बटन भी आ गया, फिर अभी 1.4 मिलियन YouTube पे हो गए, गोल्डन बटन आ गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फ़ायदा इसका हुआ है, ग्रोथ इसको मिला, इसके वजह से मुझे भी काफ़ी ग्रोथ मिला है, मुझे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मैं तो तेरे को हरा भी समझता था, तो देव मानुष निकला। लेकिन वो जिसका मैं इसको क्रेडिट भी देता हूँ, बट इसकी तरफ से मुझे आज तक कोई भी ऐसा वो नहीं आया। एक होता है ना इंसान थैंकफुल होता है कि हाँ चलो ये वो, बट इसने मुझे आज तक इसने मुझे थैंक्स नहीं बोला। चलो अगर ये नहीं तो आप इसका फर्स्ट व्लॉग देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ये खाली कैमरे के सामने एकदम इनोसेंट बनती है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है, जो है वो बोल देता हूँ। तो अभी आज इसके पास गाड़ी है, घर है, हर एक चीज। देखो ये है इसके पास आईफोन, ठीक है, एक मिनट रुकना। आईफोन ऊपर से कवर देखो गोल्ड का लगा के रखी है, आप कुछ समझ सकते हो कि अब ये कितना कमाती है। माशाल्लाह दोस्त, बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। कैसे जो तुम्हारे साथ स्टार्ट से है उसके उसको कभी भूलो मत, और जब तुम आगे बढ़ भी जाओ तो उसके लिए कभी चेंज मत हो। सही है, जैसे जैसे नहीं होना मैं नहीं हुई हूँ, वो सब दिख रहा कौन हुआ कौन मैं हुई नहीं हूँ। चलो एनीवेज गाइस, तो ये थी हमारी जर्नी, हम इस तरह मिले थे और इस तरह वहाँ से लेके अब तक का ये सफ़र था हमारा, और अभी आगे का सफ़र देखेंगे कैसा होता है।
तो फिर ये व्लॉग को यही एंड करते हैं, और आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं और नेक्स्ट व्लॉग कौन कौन सा बनाऊं। तो इसी तरह लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। सो लव यू ऑल।